वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर से एक नई वैकेंसी है। हालांकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन काफ़ी यूनिक और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन सैलरी परमानेंट की जैसी है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, राष्ट्रीय महत्व का यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है, 2020 में हुई है। वहाँ से वैकेंसी है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की, तो हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से टीचिंग वैकेंसी को लेकर, और टीचिंग वैकेंसी में भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर को है ना। देखिए सबसे एक नंबर पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। हम लोग का सारा ध्यान इसी पे रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर 364 डेज, और आपका जो फिक्स सैलरी है पर मंथ 87,000 पर मंथ मिलेगी। सब्जेक्ट्स आपका क्रिमिनोलॉजी है, लॉ है, इसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिकल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। ये सारे सब्जेक्ट्स रक्षा क्षेत्र के होते हैं और इससे रिलेटेड ये वैकेंसी आई है साथियों। अब बाद में और भी है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फॉरेंसिक साइंस, स्पोर्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर रिसर्च कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, आईटी सपोर्ट एक्सिक्यूटिव, उन सभी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम लोग का मुख्य रूप से फोकस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय हमारा रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि 2020 में इसकी स्थापना हुई है। उन सब चीज़ों को आप अपना कह सकते हैं, बाद में पढ़े ही होंगे, कहीं पर देखे ही होंगे, पर उन पर ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है वो देख लें आप, है ना। सारे सब्जेक्ट्स का दिया है, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है ना। मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट या ना नेट स्लैश सेट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों पे कर सकते हैं कि नहीं है आपका नेट स्लैट, तो आपके पास PhD होना चाहिए इस संबंधित विषय में, और वो रेगुलेशन जो 2009 और 2016 होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी PhD होनी चाहिए। मुख्य बात यही है, और भी योग्यता में दी गई है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कहा गया है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और वहाँ पर आपके लिए PhD की योग्यता नहीं मांगी गई है। और बाद बाकी देखिए टीचिंग कम रिसर्च जैसे ऑफिसर के लिए दी गई है, उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग लास्ट में जाते हैं अप्लाई कैसे करना, उन सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अप्लाई के लिए अप्लाइंग क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं, क्या फ़ी है, अप्लीकेशन फ़ी क्या है। देखिए हाउ टू अप्लाई के सेक्शन हम लोग आ चुके हैं, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें। आपको 20 जुलाई 2023 के पहले अप्लाई कर देना है, और अप्लाई कहाँ पे करना है देखिए यहाँ पे क्या लिया है, इंटरेस्टेड अप्लीकेंट शुड सेंड देयर रिज्यूम, आपको रिज्यूम भेजना है एंड अप्लीकेशन फॉर्म टू career@rru.ac.in पर आपको सबमिट कर देना है अपना रिज्यूम और अप्लीकेशन फॉर्म को। अप्लीकेशन फॉर्म आपका वहीं पर ओपन होगा, इसी वेबसाइट पर। दूसरा और एक दिया गया है py.ao@rru.ac.in, दो वेबसाइट दी गई हैं जहां से आपको अप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएंगे, आपको रिज्यूम ऑप्शन जो है अपना रिज्यूम बना के वो भी आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कैसे होगा, द मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेंट्स, यानी अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं आपको इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी बता दी जाएगी। फॉर एनी क्वेरीज आप यहां पर इनसे मेल कर सकते हैं, यहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा साथियों। तो ये था अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। अप्लीकेशन फ़ी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मीन्स आपको 0 अप्लीकेशन फ़ी, आपसे कोई फीस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जिक्र रहता क्या आपका फ़ीस लगने वाला है। तो साथियों सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है, विशेष जो है सामान्य चीज बातें हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ये रक्षा यूनिवर्सिटी से आपका निकला है वैकेंसी, और रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ है साथियों, ये देखिए आप देख लें एड्रेस भी है ना, गांधीनगर गुजरात इंडिया,
वहाँ से वैकेंसी आई है। आप रक्षा यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो ये काफ़ी गर्व की बात होगी और एक तरह से कह सकते हैं आप डिफेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें कहता है कि हमें एक देशभक्ति, किसी को फौजी बनना है, बॉर्डर पर जाना है, तो आपको उसी टाइप का फीलिंग होगा जब यहाँ पर आप जॉब करेंगे। तो ये एक तरह से पैट्रियोटिक जॉब है, देशभक्ति वाला जॉब है। आप अगर देश प्रेमी इच्छुक हैं, आप पैट्रियोटिक माइंडेड के हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी कम दे रही है। और इसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा उसका एक अलग ही वेटेज होगा, अलग इंटरव्यू देंगे। तो वहाँ पे कि आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, तो दूसरे के कंपेयर में आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी अदर यूनिवर्सिटी से अगर वैकेंसी आती है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर वन। आगे इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए, इसी प्रकार जॉब नोटिफिकेशन की सूचना जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और बने रहने के लिए साथियों क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए एक ही काम करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल बटन को क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है, हर दिन। और हर दिन 4 से 5 जॉब नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।